डेटा साइंस के आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, थ्योरी की भी प्रोजेक्ट्स की भी। अब होता है क्या है कि जब आप उन वीडियोस को देखते हो तो बहुत सारी एरर आ जाती है आपके कोड में, उसे लोकल पे इंप्लीमेंट करते वक्त। कोई आपके डाउट बताता नहीं, आप कमेंट करते हो, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट आते हैं, कोई रिस्पॉन्स उसमें आता नहीं, तो आपके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाते हैं, इनएफिशियंट रह जाते हैं। मान लो कि एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड थी, आपने कुछ और ही आउटपुट दे दिया, मांगा कुछ और है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम एक 30 डेज का लाइव बूट कैंप ला रहे हैं, जिसमें 15 सेशंस होंगे लाइव अल्टरनेट डेज पे, दो दो घंटे लाइव के। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि डेटा साइंस के बेसिक्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं, और डीप लर्निंग के भी कॉन्सेप्ट हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। इसमें हम आपको 7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाएंगे अलॉन्ग विद ऑल द थ्योरी जो भी उन प्रोजेक्ट्स में नीडेड होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम कवर करेंगे Zomato डेटा एनालिसिस। इसका डेटा आपको काफी ऑनलाइन मिल जाता है, काफी इंटरेस्ट रहता है स्टूडेंट्स को इसको जानने का इस कंपनी के बारे में, तो इसका एनालिसिस मतलब EDA हम करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड प्रोजेक्ट हम करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस का। आपने सुना होगा ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस या मूवी डेटा सेट सेंटिमेंट एनालिसिस, तो हम कुछ अलग करेंगे Amazon रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें क्या है कि काफी सारे प्रोजेक्ट पे प्रोडक्ट्स पे जो रिव्यू आते हैं उनकी वेबसाइट पर, उससे हम एनालाइज करेंगे, कुछ कैटेगरीज में हम उस डेटा को डिवाइड करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, काफी मजा आपको आएगा इसे करने में। नेक्स्ट आता है COVID-19 डेटा एनालिसिस। इसमें क्या है कि हमें स्प्रेड को प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ पे फैलेगा, कितनी जल्दी फैलेगा। काफी सारा डेटा हो गया हमारे पास, लगभग 1.5-2 साल से ये चल रहा है, अब नेक्स्ट वेव आ रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सीखना। अगर रिज्यूमे में डालेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई कोविड टाइम पे क्या किया था, तो आप बता सकते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रिडिक्ट करनी है कि कितने साल बचे हैं इस पर्सन के लिए, और ये कैसे करना है। आपको बहुत सारा डेटा इसमें मिला हुआ कि उसकी कितनी बीमारियां थी, कितने साल जिया, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस पर्सन को इतनी डिजीज है तो कितने साल जिएगा बाकी। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही क्लासिक एक प्रॉब्लम है न्यूरल नेटवर्क की, मलेरिया डिजीज डिटेक्शन। इसमें आपको उसके सेल की इमेज दी जाती है, उससे आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें मलेरिया है या नहीं है। काफी क्लासिक एग्जांपल है, काफी कॉमन है, बट स्टिल हम करा रहे हैं क्योंकि इसके थ्रू ही आप न्यूरल नेटवर्क अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग हैंड रिटन डिजिट्स। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 5 और 6 मैंने हैंड से लिखा, ठीक है, तो मुझे उसे डिटेक्ट करके बताना है कि 5 है 7 है 6 है, उसमें 99% से भी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें लानी होती है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है। लास्ट है हमारा ड्राउजीनेस डिटेक्शन। जैसे मैं इस वक्त अगर मैं नींद में हूँ फोटो वीडियो में, तो वो डिटेक्ट कर सके कि कौन बच्चा सो रहा है कौन बच्चा जाग रहा है। काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ओपन सीवी की मदद से हम इसको आपको बनवाएंगे। अब आते हैं कि इंस्ट्रक्टर कौन है। इंस्ट्रक्टर काफी अच्छा है, चितवन मनचंदा, ये काफी एक्सपर्ट है मशीन लर्निंग डेटा साइंस में, 10-15 ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, 50 से ज्यादा बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले लास्ट 2 सालों में, काफी डिफरेंट तरीके के कोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो काफी अच्छा नॉलेज है इनको सारे प्रोजेक्ट्स की, और आपको काफी अच्छा सीखने को मिले। अब आ जाते हैं डे वाइज सिलेबस पे। सो सबसे पहले सेशन 1 में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पाइथन मॉड्यूल जो आपको डेटा साइंस में यूज होते हैं वो कराए जाएंगे, जैसे NumPy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, इनका बेसिक फंक्शंस बताएंगे, अप्लाई करना सिखाएंगे, कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको देंगे। इसके साथ साथ हम आपको कैगल पे वर्क करना सिखाएंगे। कैगल इज लाइक कोडशेफ फॉर डेटा साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, सारे प्रोजेक्ट्स में से ऑलमोस्ट सारे ही हम आपको कैगल के ऊपर कराएंगे, ताकि आपका वहां भी प्रोफाइल अच्छा होता रहे, ठीक है। इस कोर्स के बस एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको पाइथन आनी चाहिए। पाइथन इसमें नहीं सीख पाएंगे क्योंकि 15 ही सेशन है, सब कुछ नहीं हो पाता है, आप भी समझ सकते हैं बात। सेकंड सेशन में हम करेंगे जो कि एक दिन छोड़ के होगा रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों हम सिखाएंगे। इसमें काफी सारी थ्योरी होती है, तो अच्छे से आपको एग्जाम्पल डायग्राम के साथ हम अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप उसे अप्लाई करना सीख सकते। सेशन 3 में जो बाकी एल्गोरिदम्स है वो कवर करेंगे, सारी नहीं करेंगे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, नाइफ बेस कर लेंगे, डिसीजन ट्री कैसे अप्लाई करते हैं, तो इस तरह की आप एल्गोरिदम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब इसमें कवर करेंगे। पहले इसकी थ्योरी बताएंगे, इसका ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट होता है, और उसके बाद कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सेशन 4 में हम प्रोजेक्ट करेंगे Zomato डेटा एनालिसिस, इस पर EDA करेंगे हम, कैसे डेटा को फेच करना है, कैसे उसे क्लीन करना है, प्री प्रोसेसिंग करनी है, कैसे प्लॉट करना है, और उससे कैसे प्रेडिक्शंस निकालने, इसमें आप वो सीख। सेशन 5 में हम पढ़ेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसके क्या क्या टाइप है, क्या क्या मीनिंग है, कैसे इसे अप्लाई करना है, ये हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट 6th और 7th सेशन में हम 2 प्रोजेक्ट करेंगे। 6th में हम कोविड डिटेक्शन वाला करेंगे, 7th में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला करेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये क्या है, इसमें हमें क्या क्या काम करना है। सेशन 8 में हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, और उसके बेस कौन कौन से हमें
एल्गोरिदम्स है, कौन कौन से अप्रोचेस है जो हम उसमें यूज कर सकते। सेशन 9 से हमारा डीप लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। आपने काफी सुना होगा कि डीप लर्निंग इज द लेटेस्ट इन्वेंशन इन द एआई फील्ड। ये एक न्यूरल नेटवर्क जो ब्रेन के होते हैं उसको मिमिक करता है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसे फास्ट और बहुत ज्यादा एक्यूरेट बना देता है। इसमें काफ़ी सारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसमें सब डिविजन है, CNN, RNN, तो वो सब हम आपको कराएंगे एग्जाम्पल के साथ, एप्लीकेशन के साथ। और सेशन 10 में हम सेंटिमेंट एनालिसिस समझेंगे ये क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, और फिर उसको हम Amazon रिव्यूज पे लगाएंगे और वहाँ पे अपने प्रेडिक्शंस को क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में समझाया। सेशन 7 में हम CNN पढ़ेंगे, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ANN का ही पार्ट है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट भी करेंगे मलेरिया डिसीज डिटेक्शन का, ठीक। तो इसी तरह से बाकी सेशंस में हम जो प्रोजेक्ट्स बचे हैं वो कवर कर लेंगे और जो भी थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो बच्चों ये कैसे होगा कि हर एक ऑल्टरनेट डे पे एक लाइव क्लास होगी, बिल्कुल लाइव होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर सब कुछ, ताकि आप लाइव डाउट पूछ सके, डायरेक्ट कर सके और फॉलोअप आपको मिलेगा। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है तो नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कोड दिखा सकते हो, तो वो सारा सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। अगर आप चाहोगे, इसकी फीस क्या है तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हमने अफोर्डेबल फीस रखी, 1000 रुपीज़। अगर आप कोई भी लाइव कोर्स देखोगे एक महीने का तो 3 से 4 हज़ार का होता है, बट हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे अवेल कर पाए, ठीक है। अब फीस क्यों रख रहे, फ्री क्यों नहीं दे रहे सर? अब यार ये मेंटोर है, इसका भी टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, तो उनको भी कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए ना कि आपको वो हेल्प करे, तो इसलिए बहुत नॉमिनल सी फीस हमने रखी है, ठीक है। तो प्लीज आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप नीचे दिखे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको वेबसाइट के पेज पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। तो प्लीज इसे ज्वाइन करें ताकि आप अपनी डेटा साइंस की जर्नी को बिगिन कर सकें।